गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंडो गीज़। तो गाइस कैसे हो आप लोग? और अभी मैं लुगानो में ही हूँ और आज मैं जा रहा हूँ जोर्नी को देखने के लिए। जोर्नी को जो कि स्विस हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही फेमस है, बिकॉज स्विट्ज़रलैंड का उस समय तो कंट्री का कॉन्सेप्ट था नहीं, तो रीजन हेड करता था, तो इसीलिए स्विस पीपल के साथ लड़ाई हुई थी मिलानो की। तो मिलानो की यानी कि जो मिलान शहर है ना, वहाँ के लोगों की लड़ाई हुई थी जोर्निको के पीपल के साथ, तो इसलिए वो मैं भी जाके देखूँगा। और उसके बाद जाके देखूँगा मैं गोतार्द, सैन गोतार्द, एक बहुत बड़ा माउंटेन है, और उस माउंटेन के बाद शुरू हो जाता है जर्मन स्पीकिंग पार्ट ऑफ स्विट्ज़रलैंड। और उस माउंटेन की खासियत ये है कि उसके बीच में बहुत बड़ा टनल है, लगभग 40 से 50 किलोमीटर का टनल, जो कि ट्रेन जितनी भी आती जाती है उसके रूट को शॉर्ट करता है, और ये बना था 2020 में। तो ये दोनों चीज़ मैं कवर करूँगा, तो ये वीडियो इसी के बारे में है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। माउंटेन मीन्स पहाड़। स्विट्ज़रलैंड के हाईवे की स्पीड है 120 की स्पीड से ज़्यादा आप नहीं चला सकते हो, अगर आप पकड़े गए तो बहुत तगड़ा वाला फाइन है। और अब मैं आ गया हूँ जोर्नी को, जो टिचिनो रीजन में ही है, एंड यहाँ पे बहुत ही फेमस है ये चर्च। तो पहले इस चर्च को देखता हूँ जो कि जोर्नी को के लोगों के द्वारा बनाया गया था। तो चलो भी ये देखता हूँ और आपको भी दिखाता हूँ, बहुत ब्यूटीफुल है। और इसकी सराउंडिंग्स अभी मैं कैमरा घुमा के आपको दिखाता हूँ, एकदम माउंटेन्स के बीच में स्थित है। और ये जो चर्च है ये 17th सेंचुरी में बनाया गया था, और देख सकते हो आप कितना ब्यूटीफुल है। और इसकी जो आर्किटेक्ट है, लाइक इसकी जो बनावट है, आप देख सकते हो ये सारा का सारा। अगर आप टिचिनो रीजन में जाओगे, लाइक विलेजेस में जाओगे, तो कहीं कहीं अभी भी ऐसे स्ट्रीट बने हुए हैं मोरकोत्तो सब साइड में। तीन चर्च बनाया गया है यहाँ के लोगों के द्वारा। पहला चर्च मैं आपको दिखाया वो पीछे है, और सिमिलरली एक यहाँ पे भी चर्च है, पर थोड़ी सी डिज़ाइन इसकी डिफरेंट है, क्योंकि उन ज़मानों में लोगों के पास उतने पैसे नहीं होते थे, तो उन्होंने जैसे तैसे जो भी उनके मन में आया और जैसे उन्होंने सोचा और उसी रूप के हिसाब से इसको बनाया। एक यहाँ पे है, और इसके बाद एक उस साइड वहाँ पे अगर आपको दिख रहा हो वो वाला, तो एक वहाँ भी है, तो एक वहाँ भी आप देख सकते हो। तो तीन चर्च है अभी, इसमें मैं जाके देखता हूँ, अंधेरा सा लग रहा है, बट एक बार जाता हूँ और देखता हूँ कैसा है। तो आप देख सकते हो एकदम अंधेरा है यहाँ पे, बट आप देख सकते हो कि 17th सेंचुरी में ये बनाया गया था, और कितना ब्यूटीफुल है, और किस हिसाब से बनाया गया था इस चर्च को। तो आप देख सकते हो ये सारे के सारे कैथोलिक चर्च हैं, एंड इसके ऊपर वहाँ पे वो फादर जो भी रहे होंगे, जो भी यहाँ पे भी कुछ प्रोग्राम वगैरह होता होगा, जो भी लाइक सेरेमनी होता होगा, तो फादर ऊपर यहाँ पे प्रेयर करते होंगे, यहाँ पे लोग बैठते हैं बेंच पे, और नीचे आई डोंट नो क्या है, बट ये थोड़ा डिफरेंट है अदर चर्चों के हिसाब से। एक बहुत अच्छी चीज़ है कि इस बुक में आप नाम लिख सकते हो कि कहाँ से आप आए हो। तो इस पूरे बुक में भाई किसी भी इंडियन का नाम नहीं था, तो मैंने अपना नाम लिख दिया है, और कोई भी आएगा तो देखेगा अच्छा चल ठीक है, एक इंडियन यहाँ पे आया था। ये रहा दूसरा चर्च। दूसरे चर्च से जाने के बाद अब मैं जा रहा हूँ तीसरे चर्च में। वहाँ पर आप देख सकते हो छोटा सा चर्च है, अर्लियर वो कुछ फोर्ट था, लेकिन उसके बाद उसको चर्च में तब्दील कर दिया गया है। और इस चर्च के बगल में एक छोटा सा ये बागान है, ये सारा का सारा पेड़ है, और यहाँ पे वाइन की खेती करी जाती है। तो आप देख सकते हो इस रीजन में, आप देख सकते हो सारी जितनी खेती हो रही है ना, ये वाइन की हो रही है,
और वन ऑफ द बेस्ट वाइन ऑफ स्विट्जरलैंड का यहाँ से आता है। तो आप यार, इस चर्च में कोई इंडियन आया नहीं था, मैंने पूरे उसके रिकॉर्ड बुक को देखा है, उसमें किसी इंडियन का नाम नहीं था। तो आई फील सो गुड टू राइट माई नेम देयर, और अच्छा फील हो रहा है कि चल एटलीस्ट कहीं पे तो पहला इंडियन का नाम दर्ज हुआ है। जो तीसरा वाला चर्च है उसको मैं बाद में विज़िट करूँगा, अभी उसके नीचे वाले हिस्से में एक रिवर जाती है, इस रिवर का नाम है तिचिनो रिवर, और मैं आपको दिखाता हूँ कितना ब्यूटीफुल लग रहा है यार। तो आप देख सकते हो ये कितना ब्यूटीफुल है, और पानी का शोर, वाव। और इस साइड भी वैसा ही है, ये देखो। यहाँ से दोनों चर्च आप देख सकते हो, वो पहला वाला चर्च जहाँ पे घड़ी लगी हुई है, और दूसरा वाला जहाँ कोई इंडियन नहीं गया था, ये रहा यहाँ पे दूसरा वाला चर्च। वाव, और जगह का देखो कितना ब्यूटीफुल है। साउदर्न पार्ट ऑफ स्विट्जरलैंड बहुत अंडररेटेड है, एंड डेफिनेटली आप अगर आते हो यहाँ पे तो विज़िट करना, बहुत मज़ा आएगा आपको। और आप देख सकते हो यहाँ पे घरों की बनावट एकदम डिफरेंट है और बहुत ही ब्यूटीफुल है, और ये बीच की जो छोटी छोटी गलियाँ, वाह यार, एक डिफरेंट फील तो देती देती है। एंड जैसा कि मैंने पहले आपको बोला कि स्विट्जरलैंड जो कि साउदर्न पार्ट ऑफ स्विट्जरलैंड है वो अंडररेटेड है, तो अगर आप स्विट्जरलैंड आते हो तो डेफिनेटली यहाँ पे आना, आपको बहुत मज़ा आएगा। ओ या आई एम कमिंग भाई, कड़क प्यादा है बंदा। मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन बताता हूँ कि ये जो मेरे पीछे प्लेस है, ये 16th सेंचुरी में यहाँ पे यूरोप में जितने भी पावरफुल गवर्नर जनरल और जितने भी एम्बेसडर वगैरह आते थे वहाँ पे ये रुकते थे, तो उसका ये नाम है यहाँ पे लिखा हुआ। और एक चीज़ और, यहाँ पे जैसे मैंने पहले आपको बताया कि मिलान के जो लोग थे, मिलान के लोगों ने यहाँ पे लाइक उससे लड़ाई हुई थी, मिलान और यहाँ पे कैंटोन है, इस रीजन के बाद शुरू होता है कैंटोन उरी, तो दोनों के बीच में काफ़ी लड़ाई हुई थी, तो उरी के लोगों ने जीत लिया था, तो इसलिए इस जगह पे उरी का आधिपत्य था, यानी कि उरी के लोगों का शासन चलता था। और उरी एज ऑफ नाउ वन ऑफ द स्मॉलेस्ट स्विस कैंटोन में से एक है। मैं आ गया हूँ तीसरे चर्च पे, और आप देख सकते हो कितनी ऊंचाई पे है, तो यहाँ से जाने का रास्ता आप ये देख सकते हो। तो चलो फिर चलते हैं ऊपर वाले चर्च पे। यार सब कुछ स्विट्जरलैंड में ऊपर ही है, जोक्स अपार्ट, बट ब्यूटीफुल है यार ये चर्च। ऊपर से व्यू देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे ऊपर आ गया, और दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे तो ये बंद है, आई थिंक खुला होना चाहिए, लेट्स सी। नो इट्स क्लोज्ड, चलो कोई ना। एंड यहाँ पे ऐप है यार, इस ऐप के थ्रू आप डोर खोल सकते हो, तो अभी मैं स्कैन करता हूँ इसका बार कोड। तो ये देख सकते हो आप ऐप का स्कैन और डिटेल्स डालने के बाद ये खुल गया, एंड यहाँ से व्यू देख सकते हो आप चर्च का, बहुत ही पुराना चर्च है ये। सारे के सारे ये जितनी तीनों चर्चेज हैं ये 17th सेंचुरी में बनी थी, और इसको अब रखा गया है यहाँ पे, स्पेशल सेरेमनी वगैरह होती है यहाँ पे, एंड प्रिजर्व करके रखा हुआ है कि लोग अपना आए टूरिस्ट वगैरह और देख सकते हैं। ये सारा लिखा हुआ है इटालियन में, तो थोड़ी बहुत ही इटालियन आती है मेरे को, कुछ वर्ड्स एंड कुछ सेंटेंसेस, एंड ये क्या लिखा हुआ है इसका मुझे मतलब पता नहीं है। तो आप देख सकते हो इस साइड में भी है, ये सारे के सारे कैथलिक चर्च हैं। अब मैं बाहर निकल गया हूँ इस चर्च से, छोटा सा चर्च है, और इसकी कंपाउंड में भी और है कुछ हिस्टोरिकल लाइक बिल्डिंग्स वगैरह वगैरह, लाइक छोटे मोटे जो खंडर बोल लो आप, ये है। तो यहाँ से पूरा एक दृश्य दिखता है और बहुत ही ब्यूटीफुल है। मैं अभी आपको कैमरा टर्न करके दिखाता हूँ, एकदम दोनों पहाड़ों के बीच में है ये। एक इन्फॉर्मेशन मुझे आपको ये देनी थी कि ऐसा देखा गया है, डेटा भी है, कि जितने लोग रिटायर हो रहे हैं जर्मन स्पीकिंग पार्ट ऑफ स्विट्जरलैंड और फ्रेंच स्पीकिंग पार्ट ऑफ स्विट्जरलैंड के, मोर देन 65,
दे वुड लाइक टू स्टे इन दिस कैंटोन बिकॉज ऑफ द ओबियस रीज़न, क्योंकि ये कैंटोन थोड़ा गर्म है अलग कैंटोन के हिसाब से, गर्म इन द सेंस यहाँ पे सनलाइट बहुत है, बारिश उतनी नहीं होती है, मतलब होती है एक नॉर्मल, एंड यहाँ पे एटमोसफेयर, तो इसलिए बहुत लोग यहाँ पे आना पसंद करते हैं आफ्टर 60-65 कि थोड़ा चिल करें, लाइफ थोड़ा ईजी हो, तो इस हिसाब से लोग यहाँ आते हैं। एंड अब मैं नीचे चल रहा हूँ, और नीचे जाने के बाद संगोटार्द वो जो माउंटेन है वहाँ पे जाऊँगा। तो बहुत अच्छा दिन है यार, सूरज एकदम खिला हुआ है, विटामिन डी मिल रही है, और क्या चाहिए, और फ्री में पानी भी है स्विट्ज़रलैंड में, कहीं भी जाओ तो आपको पानी मिल जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो पानी का बॉटल अपने पास ज़रूर रखना, पानी की कमी नहीं है स्विट्ज़रलैंड में, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और अब जाने की तैयारी हो रही है सेन गोतार्द, लेकिन उससे पहले कहीं कुछ रुक के खाना पीना खा लेंगे बिकॉज अब भूख भी लग रही है। यहाँ पे लाइक स्विट्ज़रलैंड में लोगों का आइडियल टाइम ब्रेकफास्ट का है 7 से 8, और लंच है 12:30 तक ये लोग कर लेते हैं, 12:30-1 तक। तो क्योंकि आज हम लोग घूम रहे हैं तो चलो थोड़ा सा जल्दी खाना खा लेता हूँ। मैं आ गया हूँ यहाँ पे एक रेस्टोरेंट में, फर्नी करके है, इसमें कुछ खाना वाना खा लेता हूँ फिर चलूँगा संग गोतार्द। ये रेस्टोरेंट तो बहुत फैंसी है, एक्चुअली ये रेस्टोरेंट एंड होटल दोनों है, उसका नाम है होटल फर्नी। तो अभी मैं जो भी ऑर्डर करूँगा और कितना कॉस्ट आएगा तो वो सब मैं आपको बताऊँगा, कि हम लोग एक्चुअली 3 लोग हैं तो तीनों का इकट्ठा कॉस्ट बताऊँगा मैं आपको। अभी स्टार्टर के लिए मैंने मंगवाया है ये रिवेला ड्रिंक, ये बहुत ही फेमस है स्विट्ज़रलैंड में, और ये स्पेशली बनता है दूध के, फटे हुए दूध के पानी से, और ये नॉन अल्कोहलिक है तो आप पी सकते हो, ये बहुत अच्छा है। तो मैंने ये ऑर्डर किया है चिकन एल चेस्टेलो विद न्यू पोटैटोज एंड सीजनल वेजिटेबल्स, और इसका कॉस्ट है 26 स्विस फ्रैंक, तो समझ सकते हो आप कि कितना महंगा है। और इन लोगों ने भी अलग अलग ऑर्डर किया है अपना, तो मैंने अपना दिखाया है आपको। ये कॉम्प्लीमेंट्री दिया गया है, इसमें मोसरेला चीज़ एंड गस्पाचो, यानी कि हाफ इटालियन एंड हाफ स्पेनिश फूड है विद ब्रेड, और ये अपना रिवेला है। तो अभी ये खाता हूँ और मेन फूड आएगा तो आपको दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हो ये आ गया अपना चिकन, ये है पोटैटो ब्रोकली एंड कॉलीफ्लावर, और कुछ ये सॉस भी है, तो आप देख सकते हो इसको चिकन में लगा के खाऊंगा। हो गया है खाना पीना अपना, और ये प्लेस मुझे श्ताद की याद दिला रही है, जो मैं पिछले साल गया था श्ताद, तो बिल्कुल वैसा ही लग रहा है, दोनों साइड से माउंटेन एंड देन उसके बीच में होटेल्स एंड वो वॉकिंग ट्रेल्स वगैरह, बहुत अच्छा लग रहा है। और अब मैं जा रहा हूँ सेन गोतार्दो, सेन गोतार्दो फेमस है लंबा ट्रेन टनल के नाम पे, क्योंकि वो जो रेंज है वो 40-50 किलोमीटर का लंबा ट्रेन टनल बना है, एंड ये इनोग्रेट हुआ था 2020 में, जिससे कि लुगानो से ज्यूरिख जाने की जो दूरी थी वो कम से कम हो गई है। तो वो अभी चल के देखेंगे ऊपर, अभी जा तो मैं रहा हूँ गाड़ी से ही, लेकिन मैं आपको दिखाऊँगा कि टनल कहाँ से शुरू हुआ है। और आप देख सकते हो ये है सेन गोतार्द की पहाड़ी, और इसके बीचों बीच वो टनल है जिसे ट्रेन जाती है, और बड़ा खूबसूरत है यहाँ पे। अभी भी यहाँ पे स्नो वगैरह जो है आप देख सकते हो पहाड़ियों पे है, और यहाँ पे ये लगा रखा है पवन चक्की, तो आप देख सकते हो। एंड इसके ऊपर भी मैं जाऊँगा, लेकिन हमारे साथ एक थोड़े से बुजुर्ग हैं तो उनको चलने में थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए देखता हूँ अभी मैं क्या कर सकूँ, लेकिन भाई देख सकते हो क्या बेहतरीन नज़ारा है। टनल के अलावा भी ये प्लेस इसलिए फेमस है बिकॉज़ यहाँ पे पुराने टाइम में स्विस मिलिट्री कैंप होती थी, और लोग यहाँ पे अभी भी शूटिंग करने आते हैं। और ये सब प्लेस आप देख रहे हो ना, ये वाला प्लेस, ये सब हॉस्टल है, और इस हॉस्टल में लोग रुकते हैं, और रुकने के साथ साथ अपना वो शूटिंग वगैरह करते हैं, तो आप देख सकते हो।
चार रिवर यहाँ से निकलता है, एक ईस्ट में जाता है, एक वेस्ट, एक नॉर्थ और एक साउथ। तो उसका इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ये लिखा है टनल, और टनल देखने के लिए यहाँ पे लेनी पड़ती है टिकट। तो अभी हम लोग टिकट ले रहे हैं, तो अभी आपको दिखाता हूँ मैं। ये सब इटालियन में बोलने, क्या बोलने कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं पूछ के बताऊंगा आपको। छोटा सा करेक्शन है, ये मिलिट्री फोर्ट है और ये 2001 तक टॉप केप सेक्रेट था स्विट्जरलैंड का। तो आप देख सकते हो ये रहा कैंटोन टिचिनो का फ्लैग, ये स्विट्जरलैंड का फ्लैग, और ये है कैंटोन उरी का फ्लैग। ये कैंटोन मीन्स स्टेट। तो चलो अंदर चलते हैं।